नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ बच्चों, अगर आप भी DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर चुके हैं या अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जान लीजिए कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो 15 जून तक बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ आपका जो अब एंट्रेंस एग्जाम है वो अब चला गया है 3rd week of June में। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि स्नातक परास्नातक एवं शोध पात्रता परीक्षा प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि जून के तृतीय सप्ताह से। तो अब तीते सप्ताह का मतलब तो भाई जब इन्होंने जून 15 कर दिया है तो अब फॉर्म भरेंगे 15 तक, ठीक है। एक हफ्ते पहले इन लोग एडमिट कार्ड जारी करेंगे तो आप लगभग मान के चलिए कि 25 के बाद ही आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा। जी हाँ, तो ये थी आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट। अपना फॉर्म भर दीजिए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। और हाँ, बात करें एडमिट कार्ड की, तो देखिए एडमिट कार्ड तभी आएगा जब आपका एग्ज़ाम डेट कन्फर्म होगा। जैसा कि आप ये दिख रहे हैं ना यहाँ पे कि जून के तृतीय सप्ताह में एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब ये है कि भाई कभी डेट तो आया नहीं है किस डेट कौन सा एग्ज़ाम होगा, कब बीए का होगा, कब बीकॉम का, कब बीएससी का, कब एलएलबी का, ठीक है। तो जैसे ही ना होता क्या है कि 15 जून के बाद DDU क्या करेगा कि एक फाइनल डेट शीट जारी करेगा। अब जैसे डेट शीट आ जाएगा ना तो उसी के साथ एक नोटिस आएगी कि हाँ भाई कब से बच्चे अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही फाइनल डेट शीट आएगी, कब किसकी परीक्षा है, कितने टाइम में है, कब कब है, तब जा कर के समझिए कि उसके एक हफ्ते 3 दिन 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा। कैसे उसको डाउनलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी आप सबके लेटेस्ट अपडेट। और जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे अपना फॉर्म भर लीजिएगा और बाकी के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तैयारी चलती है हमारे यहाँ, तो आप YouTube पे क्लासेस भी करिए। अगर आप पेड कोर्स चाहते हैं क्रैश कोर्स, तो DNS एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री टेस्ट भी DNS एजुकेयर ऐप पे बहुत जल्द DDU के लिए शुरू होने वाला है, तो इसके लिए DNS एजुकेयर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।